जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार। और अभी तो हम लोगों के खेतों में कुछ भी बचा नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल खाली ज़मीन है। और यहाँ पे कोई लगाने का हमारा प्लान इरादा नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास अभी पानी ही नहीं बचा बावड़ी में, तो इसमें क्या डालेंगे। और हम लोगों के हाथ तभी चलते हैं जब हमारे पास पानी होता है, क्योंकि पानी से ही जीवन है। ये बात हम लोगों को अभी तो बहुत समझ में आई, क्योंकि इस साल बारिश के नाम पे बिल्कुल जीरो हुआ, बारिश आई ही नहीं, इसी तरह से चल रहा है, बस रिमझिम सी कुछ। अभी भी आशा है कि दिवाली से पहले एक बार तो हमारे नदी में पानी आ जाए, क्योंकि एक बार नदी में पानी आ गए ना तो हम लोगों की एक बार नदी में पानी आ गया तो हम लोगों की बावड़ियाँ अब खचा खच पानी से भर जाएगी, और हमारे हाथों में ढेर सारा काम होगा और हमारे खेतों में भी ढेर सारी फसलें होंगी। इसीलिए हम लोग वेट करते हैं, फिर भी पता नहीं, अभी आप भगवान के हाथ में सब कुछ जो भी होगा देखा जाएगा। ए तिकड़ा ना गए, बोलता बोलता काम चुकीचं होऊन गेलं। इकडनं आम्ही बारे देतोय, इकडनं मोकळा करतात, पण उलट झालं। पहिले अशी बारे दिली होती तिकडं, आता असे द्यायचे ते उलटे पालटे अशी गडबड। आणि हिऱ्याची गोणी जवळ ठेवलेली आहे, दोन मग्गे प्रत्येक याच्यामध्ये। म्हणजे पहिले आम्ही काय करायचो, अरे ते त्याला बारे नाही, बारे नाही ना गे, ते हिरे बघा ढवळून दे ना। रिंगर टाकायचं, मग त्याला खत टाकायचं, मग त्याला झाकून टाकायचं ना, आता नुसतं पांगून द्या ते पण बाऱ्यावरती। बस टाकी आम्ही आमच्या बांधावरती हा केसर आंबा लावला बरं का, भारी आला ना।
आणि इकडे वांगे मस्त जांभळे जांभळे कलर ची झाले दिवार तो अभी 12 बजे दोपहर के, बहुत कड़क तेज़ धूप गिरी है और हम लोगों का पानी भरने का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू है। और हमारे बोल रही थी ना मैं आम के पौधे लगाए, तो आप देख सकते हो केसर आम बहुत अच्छे से आए हमारे, और अभी इस तरह से पानी भरने का काम शुरू है। और धूप हम लोगों को बहुत तंग कर रही है, और अभी थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी भी गिरेगी, तब ये पानी भरने में मज़ा नहीं आता। इधर धूप लग रही है लेकिन इधर पानी में बहुत अच्छा लग रहा है, तो फटाफट से इसको ख़त्म करते और घर की ओर चलते, लेकिन उससे पहले पानी खेल के आते। चलो चलते वही। इस साल हम लोगों को नदी में पानी खेलने का मौका तो मिला नहीं, और बारिश नहीं होने के कारण बावड़ी में भी पानी नहीं मिला। इस साल हम लोगों ने इस पानी को बहुत मिस किया, और अभी थोड़े से पानी में चिंगुल भर पानी है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है फिर भी। तो जो हालत है तो मग इसवंगी बस मैं
हमेशा बोलती हूँ लाइफ बहुत सुंदर है और उसको एंजॉय करना चाहिए। हर काम को काम है एक एंजॉयमेंट की तरह लेना चाहिए। और मेरा काम इतनी तेज धूप में भी बहुत हंसते खेलते कंप्लीट किया है आज का। तो आज की वीडियो यही रोकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नए नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। तो यहाँ पर हमारी बावड़ी है जिसमें अभी पानी हम लोग इकट्ठा करते हैं और जगह से तब जाके हम दे पाते हैं। तो इसी तरह से काम शुरू है। और ये अगर थोड़ा ज़्यादा बहुत आए तो यहाँ पर हम लोगों ने जानवर को खाने के लिए मक्का डाली है और कितना भी भरो उसको पानी नीचे आता ही आता है, इसीलिए यहाँ पे इसका अपने आप से हो जाता है। तो ये जानवर को खाने के लिए एक्स्ट्रा चारा मिल जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस।